साडा चैनल वेखन वाले सारे वीर भैणों नूं साडी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज असीं तुहाडे लई 125 स्क्वेयर यार्ड दी 3 BHK बिल्कुल ब्रांड न्यू नवी कोठी लैके आए हैगे आ। बहुत ही अच्छी लोकेशन गेटेड कॉलोनी दे अंदर ये कोठी लोकेटेड हैगी जी। सुल्तानविंड एरिया दे विच ये कोठी लोकेटेड हैगी जी। शहीदा साहब गुरुद्वारे तो काफ़ी नज़दीक हैगी है। घर दे नज़दीक ही आप जी नूं हरेक तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। मार्केट, स्कूल, डिस्पेंसरी, हरेक तरह की फैसिलिटी इत्थे आप जी नूं मिलेगी। बहुत ही सोहना इस कोठी का लेआउट तैयार किया गया और सारे ब्रांडेड कंपनी के मटीरियल ये अंदर यूज किए गए हैं। नॉर्थ फेस की एक कोठी हैगी जी। घर के बाहर 25 फुट की रोड हैगी है। कॉलोनी के अंदर आप जी पार्क भी बना के दिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी ऑप्शन असं तुहाडे लई लैके आए और काफ़ी अच्छे रेटा से अभी ऑफर आप जी मिलेगी। बड़ा ईजीली इस उपर आप जी बैंक का लोन भी मिल जाएगा। यह कोठी का फ्रंट एलीवेशन आप जी चैक करो, बिल्कुल मॉडर्न तरीके का यदा एलीवेशन तैयार किया गया जी। घर के बाहर 25 फुट की रोड है तो यह रैम्प देखो, बाहर 9 फुट का एंट्रेंस गेट लगाया गया है। कार के अंदर एंटर करते सब तो पहले कार पार्किंग स्पेस दी गई है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम हैगा जी। इतों स्टेयरकेस उपर फर्स्ट फ्लोर ली जा रही है। फ्लोर तो तुम देखो बहुत ही सोहनी चैक पैटर्न की टाइल लगाई गई है। बड़े आराम के नाल अंदर तुम अपनी वड्डी गड्डी पार कर सकते हो। इस तो अलावा तुम देखो कि फ्रंट से 4 फुट का सैटबैक एरिया भी दिता गया है आप जी। इस एरिए अंदर तुम अपने प्लांट वगैरह लगा के इनू अच्छे तरीके डेकोरेट कर सकते हो। आओ आप जी घर अंदरों चैक करवाइए। बहुत ही सोहना एंट्रेंस गेट लगाया गया है। घर के अंदर एंटर करते सब तो पहले तुम देखो लॉबी एरिया जी। सामने तुम देखो काफ़ी अच्छे दरवाजे लगाए गए हैं। घर के अंदर फ्लोर तो देखो कि विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम है। कंसील लाइट लगाई गई है। काफ़ी अच्छी वड्डी लॉबी है। लॉबी के अंदर तुम अपना डाइनिंग एरिया कम सिटिंग एरिया बना सकते हो। सामने तुम देखो आप जी ड्राइंग रूम की एक्स्ट्रा स्पेस बना के दी जा रही है। ड्राइंग रूम के अंदर तुम देखो कॉर्नर विंडो आप जी लगा के दी जा रही है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम है। कमर के अंदर स्प्लिट एसी की वायरिंग आप जी करके दी जा रही है। काफ़ी अच्छी स्पेस है। बड़े आराम के नाल इहदे अंदर तुसीं सोफा सैट और अपना अदर फर्नीचर लगा सकते हो। सामने तुसीं देखो आप जी लॉबी एरिया हैगा जी। काफ़ी अच्छा वड्डा है हॉल एरिया आप जी मिलेगा। काफ़ी अच्छे लेआउट के नाल पूरा घर तैयार किया गया जी। लॉबी एरिया तुसीं देखो बड़े आराम के नाल इधर भी तुसीं अपना डाइनिंग कम सिटिंग एरिया बना सकते हो क्योंकि लॉबी के ओपोजिट ही आप जी ओपन किचन बना के दी जा रही है। काफ़ी अच्छी वड्डी है किचन हैगी जी। किचन के अंदर तुसीं देखो एल शेप का काउंटर बनाया गया। पूरा लकड़ का काम आप जी करके दिता जा रहा है। इसके अंदर सारी इनोटेक फिटिंग लगाई गई है। काफ़ी अच्छी वड्डी है किचन हैगी जी। अंदर रोशनी वेंटिलेशन लिए विंडो दी गई है। डबल बोल का सिंक लगाया गया। बहुत ही सोहने कंट्रास्ट के सनमैके ये अंदर यूज़ किए गए हैं। काफ़ी अच्छी वड्डी है लग्जरी किचन हैगी जी। बैक साइड से आप जी 2 बैडरूम अटैच बाथरूम डक्ट एरिया बना के दिता जा रहा है। आओ आप जी एरिया भी चैक करवाइए। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज का बैडरूम हैगा जी। रोशनी वेंटिलेशन लिए विंडो दी गई है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया। स्प्लिट एसी की वायरिंग आप जी करके दी जा रही है। कमरे के अंदर बड़े आराम तो अपना डबल बैड, साइड टेबल, अलमारी और सामने टीवी पैनल बनवा सकते हो। इस कमरे के नाल भी अटैच आप जी काफ़ी अच्छा वड्डा बाथरूम भी बना के दिता जा रहा है। आओ आप जी बाथरूम एरिया भी चैक करवा दें। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज के बाथरूम हैगा जी। बाथरूम के अंदर बहुत ही सोहनी वॉल टाइल फ्लोर टाइल लगाई गई है। रोशनी वेंटिलेशन लिए आप जी रोशनदान लगा के दिता जा रहा है। पूरी बाथरूम फिटिंग आप जी लगा के दी जाएगी। सानू पूरी उम्मीद है कि साड़ी दित्ती इन्फॉर्मेशन आप जी काफ़ी अच्छी लगती होगी। कृपा करके साडे चैनल नू सबसक्राइब करो। अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बैल आइकन प्रेस करो। लाइक एंड शेयर करो। इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो असं अपने क्लाइंट ही लैके आते रहने ताकि वो अच्छे तो अच्छे घर वेख पान और अच्छी तो अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पान। इसकी ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जी 125 स्क्वेयर यार्ड की 3 BHK हैगी जी। सुल्तानविंड एरिया के अंदर लोकेटेड हैगी है। साडे कई क्लाइंट सानू फोन करते हैं कि इस एरिया के अंदर तुम अच्छी प्रॉपर्टी सस्ती प्रॉपर्टी नहीं दिखाते तो अज की ऑप्शन असं तुहाडे लई लैके आए हैगे आ। जी ये सैकेंड बैडरूम देखो। इस कमरे के नाल अटैच आप जी काफ़ी अच्छा वड्डा बाथरूम और डक्ट एरिया दिता जा रहा है। बाथरूम के अंदर देखो तुम पूरी डिजाइनर वॉल टाइल फ्लोर टाइल लगाई गई है। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज के सारे बाथरूम तैयार किए गए हैं। आप जी पूरी बाथरूम फिटिंग लगा के दी जाएगी। आप जी सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि यह कोठी अगर आप जी पसंद आ रही है और तुम इन विजिट करना चाहते हो, लैना चाहते हो तो जल्दी जल्दी साढ़े नाल कॉन्टैक्ट करो। साढ़े नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। तुम्हें यह डक्ट एरिया देखो काफ़ी अच्छे वड्डे साइज का डक्ट एरिया जी। ये अंदर 3 फुट तक वॉल टाइल लगाई गई हैगी है। सेफ्टी लिए उपर जाल लगा के कवर किया गया। इस एरिया तुम अपना वॉशिंग एरिया तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। पानी के इनलेट आउटलेट पॉइंट इसके अंदर बनाए गए हैं। सानू पूरी उम्मीद है कि यह कोठी आप जी बहुत ही सोहनी लगी होगी क्योंकि काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के नाल पूरा घर तैयार किया गया। 22 फुट यदा फ्रंट है, 51 फुट यदि लंबाई हैगी जी। घर के अंदर काफ़ी अच्छे वड्डे साइज के सारे कमरे और बाथरूम तैयार किए गए हैं। सानू पूरी उम्मीद है कि यह आप जी बहुत ही सोहनी लगेगी। आओ आप जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ लैके चलते हैं। 3 फुट है वाइड स्टेयरकेस हैगी जी। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आप जी ये उपर लगा के दी जाएगी। जेडे लोग GT रोड शहीदा साहब गुरुद्वारे के नज़दीक घर चाहते हैं उन्होंने लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन असं लैके आए हैं।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲਕਨੀ ਏਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਲਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨੌਰਥ ਫੇਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੂਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਓਪਨ ਟੈਰਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਰਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਟਾਈਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਕਟੇਰੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਟਾਈਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਟਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟੌਪ ਟੈਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਟੌਪ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਈਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਟੈਰਿਸ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਵਿਊ ਵੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵਿਊ ਦਿਖਾਈਏ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦਾ ਡਰੋਨ ਵਿਊ ਵੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਫਰੰਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨੌਰਥ ਫੇਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।